फायरिंग की गई है क्योंकि आतंकी छिपे हुए थे और जब यहाँ पे सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई उसी के बाद ट्रक के बीच से आतंकी छिपे हुए थे। बोलते जाना नहीं सर, पीछे ही क्लियरेंस हो लेंगे सर, फिर जाए किसी को भी इजाजत नहीं है। जो सुरक्षा रेखा बनाई गई है आगे जाने की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी ट्रक है सामने जिसमें से धुआं निकल रहा है इस वक्त, और एक लोडेड ट्रक सामने ही दिख रहा है इसमें से काफी ज्यादा भैया वो जरूर यहाँ पे बरामद कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से पहुंच चुके हैं। आतंकियों की संख्या अभी सही नहीं बताई जा सकती क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है, ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या रिपोर्ट आज इसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च, ऑपरेशन के बारे में कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ब्रिज को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था, जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। नीचे करो यार तुम। जब ये सीधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर स्टॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग? ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अप्रिहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो सर उसके तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा, ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जाएगा।